पास ये एक्सट्रीम वर्कआउट, एक्सट्रीम मुशक्कत, स्पिन क्लासेस, जुम्बा क्लासेस वाले आके इस किस्म की बकवासियां छाड़ते ना कि यार आई जस्ट केम बैक फ्रॉम माय क्लास यार, इट वाज सो रिलैक्सिंग। ऑलवेज नोटिस इस तरह के लोगों के हाथ में भी ना हमेशा कुछ ना कुछ हरा पीला होगा इन द नेम ऑफ हेल्दी। होगा क्या, वही केले का शेक, ठीक है, कुछ फैंसी नहीं है, लेकिन किसी आम ठेले से नहीं, सिर्फ इंग्लिश कीटो ठेले से। क्योंकि जब तक 30 रुपए की चीज में 300 ना फका दो, गजाइयत कहाँ से आनी है। उससे भी केले से, केले के शेक लेने के बाद उससे भी बढ़कर लोग होते हैं तोप, जो कि इस तरह के इंग्लिश कीटो ठेले पे जाके पुदीने का शेक ऑर्डर करते हैं। पुदीने की औकात क्या है यार, सब्जी वाला स्वैग में देता केले बाजी, क्या याद करेगी। एक एक गड्डी धनिया पुदीना ऑन द हाउस बाजी, ऑन द हाउस। अच्छा, ऐसे ऐसे मैंने सैंपल्स देखे हैं ना जुम्बा क्लासेस के बाहर, ओवरली फ्रेंडली लड़कियां सारी आके जो कि एक्सप्लेन कर रही होती है कि ओह माय गॉड आई डू वांट टू ट्राई माय टर्मरिक लाटे, कतई नहीं, हल्दी दूध है वो, दूर हटो। अच्छा, मुझे जो ना घंटा आइडिया नहीं था कि मतलब जुम्बा क्लासेस के लिए इतनी मतलब किट में वर्ड ऑफ वाव टाइप्स लड़कियाँ एक के बाद एक आफरी आफरी ना सबके सब आई हुई होंगे। तो मतलब मैं इन कंट्रास्ट बिल्कुल बंजर हालात में ढीला ट्राउजर, अब्बू के एक्स्ट्रा लार्ज शर्ट, फुल मुन्ना भाई माफे की इसको जुम्बा बोलते रहे, ये मस्त है, अपने को भी करने का है, एक बिल्कुल ऐसी हालत में वहाँ पे गई थी, ठीक है। सो द फर्स्ट क्लास दैट आई जॉइंड इनिशियली, उस वक्त मुझे तो ना काफ़ी टेंशन थी, बिकॉज आई थॉट कि यार मेरी हैंड आई कोऑर्डिनेशन जीरो निकलेगी तो काफ़ी एम्बैरसिंग सीन हो जाएगा। मैं पहुंची वहाँ पे, ऐसी ऐसी बहनें आ रखी हैं कि उनको लग रहा पहली बार पता चल रहा है कि अरे ये मेरा सीधा हाथ, ओहो ये मेरा उल्टा हाथ, लाइक डॉलर डॉलर चल रही। बहन तो सीधे तो खड़ी हो ले पहले, उसके बाद जुम्बा करना ना। देख के मुझे बंदी को एंग्जाइटी हो रही है कि किसी भी से ना कैसे ऐसे करके मुझ में कोलाइड कर जाएगी, लाइक तुम अपने एरिया में रहो। खैर, तो वहाँ पे जब पहली क्लासेस में तो मुझे उस वक्त एंग्जाइटी थी, उसके बाद नहीं रही। उसके बाद मुझे थोड़ी 2-3 क्लासेस अटेंड करने के बाद ना मेरा दिमाग अलग ही डायरेक्शन में सनक गया। मैंने कहा यार ये स्कैम है, ये शदीद किस्म का पैसे बटोरने का स्कैम है, क्योंकि जुम्बा में ऐसा नहीं है कि कोई लॉजिक है, कोई आर्ट है, कोई स्ट्रैटेजी है। जुम्बा एक कैफियत है जो कि आप पे कभी भी तारी हो सकती है। एनी मिनट ऑफ द डे यू कैन जस्ट बी लाइक बेबी शक द बेबी, मतलब इसमें क्यों मैं किसी को पैसे क्यों दे रही हूँ सबके लिए। ये मुझसे मेहनत करा के, मेरी मेहनत की कमाई मुझे से मार रहे, मेरा दिमाग उस पॉइंट पे जस्ट सेकंड मुझे ये आइडिया रियलाइज हुआ, मेरा दिमाग दानिश अली मोड में स्टक हो गया, तो बढ़वाए क्यों दूँ मैं पैसे तुम्हें, ठीक है। तो अब उस गुस्से की हालत में मैंने कहा यार ये जो ना मुझे यहाँ पे कुछ गेम वेम डालनी पड़ेगी कि मैं निकल रही करके मैं ना यहाँ से कट लूँ, ठीक है। तो मैंने कुछ सोचा, मैंने कहा चलो जुगाड़ निकालते हैं कुछ। तो मुझे वो मवाद बहुत जल्दी मिल गया, क्योंकि मुझे जो है ना अपनी पर्सनल स्पेस बहुत अजीज़ है। जब मैं नए लोगों के साथ होती हूँ, मुझे स्पेशली होता है कि उन्होंने मेरे एरिया में सांस मत ही लो तो बेहतर होगा, दूर दूर हो। तो वो यहाँ पे सारी के सारी डोलर डोलर टाइप्स चल रही है, ठीक है, अपना मार्ग पता नहीं आए चली जा रही है एकदम, तो उस टाइप की चल रही थी। तो मुझे बहुत शदीद किस्म का, मैंने कहा यहाँ पर मुझे मवाद मिलेगा, अच्छा है किसी पॉइंट पर फड्डा डालूँगी। इन लोगों की मतलब इन लोगों को इतना ज़्यादा ये लोग डोलते हैं, इनको देख के इतनी एंग्जाइटी होती है कि ना सिर्फ ये कि इंस्ट्रक्टर के इंस्ट्रक्शंस खुद ठीक से फॉलो करो, एक दूसरे पे भी नज़र रखते रहो कि ए भाई ज़रा देख के जुम्बो, लाइक उधर ही रहो ना, ये भी करना पड़ा था। इतनी शदीद मतलब मेरा एक पॉइंट पर लिटरली दिल करता था कि यार मैं मिडल ऑफ द जुम्बा क्लास अपनी टांगों को परकार की तरह इस्तेमाल करके ना अपनी टेरिटरी मार्क कर दूँ चीख के। फॉर ऑल दोज पीपल हु टेक प्राइड इन सेइंग कि हमारी उर्दू थोड़ी ख़राब है, मैं बताती चलूँ, परकार कंपस को बोलते हैं, ठीक है गाइस। तो मेरा कसम से दिल करता था कि मैं मिडिल ऑफ द क्लास आई शुड जस्ट गो लाइक ये मेरा एरिया है, इसमें तुम लोगों को नहीं आने का, लाइक हट पर है, लाइक मेरा बिल्कुल यही दिल करता था, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि जुम्बा जैसे सोफिस्टिकेटेड एनवायरनमेंट में दिस इज नॉट हाउ यू कैन बिहेव, राइट, निकाले जाएंगे बहुत जलील करके। तो मैंने कहा ऑप्शन बी, अपनी वाइब्स के थ्रू, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, अपने वातावरण के थ्रू एक्सप्लेन करो कि समझ रही हो तुम लोग, दूर रहो मुझसे, ठीक है। मैंने आई रिजॉर्ट टू दैट, ठीक है। तो ज़्यादातर जगहों से मुझे ओके गॉट इट, ब्लू टिक रजिस्टर्ड एक्नॉलेज, ठीक है, वो आ गया था मैसेज। ये येड़ी, इसका एयरप्लेन मोड ऑन है ना, इसको नहीं डिलीवर होके दे रहे मैसेजेस, मन मस्त मगन झूम रही है अंदर से उधर।
ठीक है, अब मुझे देख के उसकी एंग्जाइटी हो रही है. जिस सेकंड इंस्ट्रक्टर ने बोला कि हम लोग को यूं जाना है, मेरे समझ में आ गया कि बहन आएंगी यूं. ठीक है, मैंने कहा मैं बेस्ट है, मुझे अपना वाद मिल गया, मैं आप फड्डा डालूंगी. ठीक है, जिस सेकंड में उसका हाथ यूं आते हुए देखा, मैंने हथियार डाल दिया. हल्का सा टैप ही हुआ था लेकिन मेरे अंदर का बाबू राव एक्टिवेट हो गया था. छाती फड़ रहा है, मार साले को, खोपड़ी तोड़ उसका, खोपड़ी तोड़.